हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ाने चल रहा है। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जैसा कि आपको पता है, डिग्री तीन प्रकार का होता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में मुख्य रूप से जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, जबकि कंपैरेटिव डिग्री में सेकंड फॉर्म और सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड फॉर्म। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे ही टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री, टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? जहां तक आपको पता है कि पॉजिटिव डिग्री में तो खैर फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, कंपरेटिव डिग्री में कंपरेटिव फॉर्म में लिखा जाता है और उसमें दैन का प्रयोग होता है। दैन के पश्चात जो अन्य वर्ड्स होते हैं, कंपरेटिव वर्ड्स होते हैं, हम उन्हें लिखते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव फॉर्म के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। इसलिए आप इसे याद रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा पॉजिटिव फॉर्म में होगा, कंपैरेटिव डिग्री में वह कंपैरेटिव फॉर्म में होगा और सुपरलेटिव डिग्री में सुपरलेटिव फॉर्म में होगा। कंपैरेटिव डिग्री में दैन का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री में द का प्रयोग होगा। ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं, आप जानते हैं। यदि वाक्य में एज का प्रयोग है, सो एज का प्रयोग है, तो ऐसे वाक्यों को हम सिर्फ और सिर्फ कंपरेटिव में ही बदल पाएंगे, ऐसे वाक्य सुपरलेटिव में नहीं बदलते। क्लियर? तो जैसा कि यदि एज वाले वाक्य अफर्मेटिव में है तो कंपरेटिव में बदलते समय हम इसमें नॉट लगा देते हैं। एज वाले वाक्य या सो एज वाले वाक्य निएटिव हैं तो कंपरेटिव में बदलते समय हम नॉट को हटा देते हैं। क्लियर? तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को आपको देखना है। चलिए देखते हैं। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। हम आपको यह एग्जाम्पल के माध्यम से बताएंगे, कुछ नॉर्मल चीजें हमने आपको जो है बता दिया है, अब आपको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से इसे पता चल जाए। जैसे ही इज एज वाइज एज यू, यह एज वाले वाक्य। अब हमें इसे कॉम्परेटिव डिग्री बदलना है। कॉम्परेटिव डिग्री बदलना, तो चूंकि अफर्मेटिव है, जब कॉम्परेटिव फॉर्म में बदलेगा तो यह जो है निगेटिव बन जाएगा, तो इसका ऐसे बनेगा, यू आर नॉट वाइजर देन ही। यह बनेगा, यू आर नॉट
वाइजर देन ही। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। रमेश इज नॉट सो टॉल एज मुकेश। इसे भी हमें कॉम्परेटिव बदलना है। कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। तो जैसे मैंने बताया कि यदि वाक्य में शो एज का प्रयोग है, अर्थात उसमें नॉट का प्रयोग है, तो कॉम्परेटिव फॉर्म में बदलते समय हम नॉट को हटा देते हैं। तो देखिए मुकेश इधर चलाएगा, मुकेश इज टॉलर देन रमेश। यह कंपैरेटिव डिग्री में बदल गया। अब आप कहेंगे कैसे पता चला कि कंपैरेटिव डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में है इसलिए क्योंकि इसमें कंपैरेटिव फॉर्म में है वाइजर देयर या कंपैरेटिव फॉर्म है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसमें देयर का प्रयोग किया गया है। क्लियर? ये देखिए इसमें भी वही बात है, यहां पर कंपैरेटिव फॉर्म में प्रयोग किया गया है और यहां आगे जो है देन का प्रयोग किया गया। तो इस तरह से आप कार्य है बदलने का प्रयोग कर। क्लियर? तो आपको हम नेक्स्ट टूल बताने चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टूल क्या है। नेक्स्ट टूल यह है कि यदि पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का प्रयोग किया गया है या नो के बाद कोई नाउन प्रयोग किया गया है तो हम ऐसे वाक्यों को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में बदल सकते हैं। क्लियर? कंपैरेटिव में बदलते समय देन के पश्चात एनी अदर का प्रयोग करें और सुपरलेटिव में बदलते समय सुपरलेटिव फॉर्म के पहले द का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे हम आपको एग्जांपल सी के माध्यम से इसे बताते हैं। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। यह पॉजिटिव डिग्री है। हम इसे बताते हैं पहले कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री में देखिए आप इन एग्जांपल के माध्यम से अन्य एक्सरसाइज को करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको ये तीन स्पेशल रूल्स बता रहे हैं। इन तीन स्पेशल रूल्स को ध्यान रखेंगे तो आपको अन्य एक्सरसाइज करने में बड़ी ही आसानी हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सरसाइज में जो एग्जांपल दिया गया है उस एग्जांपल को हमेशा ध्यान रखिए, रूल ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, बताया है यदि वाक्य में नो अदर का प्रयोग किया गया है या नो का प्रयोग किया गया है ऐसे वाक्यों को हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दोनों में बदल सकते हैं। देखिए नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता। देखिए कोलकाता इज bigger than
कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटीज इन इंडिया, क्लियर। तो ध्यान रखिए यह कंपैरेटिव डिग्री में है क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म में है क्योंकि इसमें देन लगा हुआ है, क्लियर। देखिए ये जो पॉजिटिव डिग्री है, इस पॉजिटिव डिग्री में सुपरलेटिव डिग्री का फोर्स है, लेकिन यह सुपरलेटिव डिग्री नहीं है क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री की कंडीशन को यह फॉलो नहीं करता है, क्लियर। इसलिए यह सुपरलेटिव डिग्री नहीं है बल्कि यह पॉजिटिव डिग्री है क्योंकि जो एडजेक्टिव है यह पॉजिटिव फॉर्म में है, यह कंपैरेटिव है क्योंकि जो एडजेक्टिव है यह कंपैरेटिव फॉर्म में प्रयोग किया गया है, क्लियर। और सुपरलेटिव जब बनेगा तो जो एडजेक्टिव होगा वह सुपरलेटिव फॉर्म में प्रयोग होगा। देखिए सुपरलेटिव जैसे कोलकाता इज द बिगेस्ट, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। देखिए बदल गया, यह सुपरलेटिव डिग्री बदल गया क्योंकि जो एडजेक्टिव है सुपरलेटिव फॉर्म में है और सुपरलेटिव फॉर्म के पहले यहां पर द लगा हुआ है, क्लियर। तो इसलिए यह आपका सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो यह रूल नंबर टू रहा, क्लियर। अब मैं आपको रूल नंबर थ्री बताने चल रहा हूं। देखिए रूल नंबर थ्री क्या है, नेक्स्ट एंड थर्ड रूल यह है कि यदि वाक्य में वेरी फ्यू का प्रयोग किया गया है तो ऐसे वाक्यों को भी हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में बदल सकते हैं, क्लियर। कंपैरेटिव में बदलते समय देन के पश्चात वन, देन के पश्चात मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, क्लियर। सुपरलेटिव में बदलते समय वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं, क्लियर। तो अब हम आपको इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, यह पॉजिटिव डिग्री है। वेरी फ्यू इंडियन लीडर्स वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी के जैसे ग्रेट और भी लीडर्स थे, क्लियर। तो जो सेकंड वाला रूल बताया है और इसमें दोनों में बहुत ही अंतर है, उनमें किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन इसमें कुछ लोगों को बराबर का इंपॉर्टेंस दिया गया। अब हम एग्जांपल के माध्यम से इसे बताते हैं कि आप कैसे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे। देखिए कंपैरेटिव महात्मा गांधी वॉज
ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया। महात्मा गांधी वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर लीडर्स इन इंडिया। क्लियर? देखिए हम महात्मा गांधी को पहले लगे ग्रेटर का प्रयोग कर दिया, देन लगा दिया, अर्थात ए कॉम्परेटिव डिग्री भी हो गया। क्लियर? अब मैं आपको इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलना चाहता हूं। देखिए सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स। बढ़िया, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स इन इंडिया। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। क्लियर? तो इस तरह से जो है डिग्रीज को बदलने के हमने ये तीन रूल बताया है। ये तीन रूल जो है पूरी तरह से रामबाण है और आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बशर्ते आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को ध्यान रखें, तीनों रूल्स को याद ध्यान रखें। यदि तीनों रूल्स याद है तो सभी डिग्रीज आप आसानी से बदल लेंगे। क्लियर? अब इसके बाद हम आपको कुछ एक्सरसाइज से बताते हैं, उसे आप ध्यान से देखिए। जैसे अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स। चलिए अब आपको वाक्य से पहचानना पड़ेगा कि यह किस रूल को फॉलो करेगा, फर्स्ट रूल, सेकंड रूल या थर्ड रूल। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स, यह जो है तीसरे रूल को फॉलो कर रहा है। क्लियर? और तीसरे रूल का तीसरा सेंटेंस है, आपको तीसरा सेंटेंस मतलब यह सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में है, हम इसे कंपैरेटिव में भी बदल सकते हैं और पॉजिटिव में भी बदल सकते हैं, जैसा निर्देश दिया जाएगा वैसा हम करेंगे। चलिए मान लीजिए आपको निर्देश दिया गया कि आप इसे पॉजिटिव बदलें, चलिए पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री का निर्देश है तो चलिए पॉजिटिव डिग्री बदलते हैं। यह सुपरलेटिव डिग्री है, आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि जब यह पॉजिटिव डिग्री में था तो कैसे था, जिस रूप में था उसी रूप में लाना है। और ऐसा करने के लिए हमें पहले वाले रूल को ध्यान में रखना है, पहले वाले सेंटेंस को ध्यान में रखना है। तो देखिए वेरी फ्यू रूलर्स वेरी फ्यू रूलर्स
वन एज लेट एज अशोका, यह आपका पॉजिटिव लेजेंड। वेरी फ्यू रूलर्स वर एज ग्रेट एज अशोक। मान लीजिए इससे कहता है कि आप कंपैरेटिव बना दीजिए, तो कंपैरेटिव कहेगा तो आप कंपैरेटिव बना दीजिएगा। मान लीजिए कहता है कंपैरेटिव बना दीजिए, कंपैरेटिव बदलने के लिए कह दिया मान लीजिए, तो कंपैरेटिव बदल देते हैं। अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट, अशोका वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर रूलर्स। यह आपका कंपैरेटिव बदल गया। कंपैरेटिव है क्यों है, जैसे यहां पे ग्रेटर लगा हुआ है, देन लगा हुआ, इसलिए यह कंपैरेटिव फॉर्म में हो गया। क्लियर? तो कोई भी वाक इसमें दे देगा, यही दे देगा, मान लीजिए कह देगा कि सुपरलेटिव बना लिए, इस यह दे देगा कह देगा सुपरलेटिव बना लिए तो ऐसे बदल जाएगा, या इसको दे देगा कह देगा कंपैरेटिव बना लिए तो ऐसे बदल जाएगा। तो यदि आप इन तीन रूल्स पे आप रखते हैं तो आप इजीली ही कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? चलिए आपको हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल बताने चाहते हैं। क्लियर? बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं, बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। पहले देखेंगे किस डिग्री में है, दिख रहा है द लगा हुआ है और सुपरलेटिव फॉर्म में है, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री में है। तो जब सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसे पॉजिटिव में बदलने के लिए दे सकता है, कंपैरेटिव में बदलने के लिए दे सकता है। तो चलिए हम इसे पहले पॉजिटिव बदल देते हैं, पॉजिटिव बदलते हैं। बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, यानी बॉम्बे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। क्लियर? तो देखिए, बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया, अर्थात बॉम्बे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बनेगा। पॉजिटिव में बदलते हैं, नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज बॉम्बे। यह पॉजिटिव बदल गया, यह पॉजिटिव बदल गया। नो अदर सी पोर्ट इन इंडिया इज सो गुड एज बॉम्बे। हम चाहें तो यहां पर एज एज का प्रयोग कर सकते हैं, एज गुड एज बॉम्बे, लेकिन हमने बताया है कि नेगेटिव सेंटेंस हो तो सो एज का प्रयोग करिए, ज्यादा अच्छा है। क्लियर? अब हमें इसे कॉम्पेटिव बदलना है, तो चलिए कॉम्पेटिव भी बदल देते हैं। कॉम्परेटिव बदलिए,
बॉम्बे इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया। यह आपका कॉम्परेटिव बदलना है ना, बॉम्बे इज बेटर, बॉम्बे इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया। देखिए यदि पॉजिटिव कहेगा बदलने के लिए, पैसे में कहेगा, कॉम्परेटिव में कहेगा बदलने के लिए, तो ये बदल जाएगा, बॉम्बे इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया, ऐसे बदल जाएगा। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और हम आपको देख समझाते हैं, बताते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि आपको परीक्षा में एक क्वेश्चन दे देगा, उसके आगे ब्रैकेट में लिख देगा पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? तो कोई भी दे देगा, आपको किसी एक में चेंज करना होगा जिसमें दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम आपको एक और वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। यह पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव पल हम बदल रहे हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका। हमने आपको बताया है तीनों रूल्स याद रखना है या देखना है कि किस रूल पर बेस्ड है, क्या तीसरा रूल का पहला सेंटेंस है यानी पॉजिटिव डिग्री में है, इसे हमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो कंपैरेटिव फॉर्म में एडजेक्टिव करेंगे और देन के पश्चात मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं। अफ्रीका इज हॉटर देन एनी अदर कंट्रीज। बदल गया, वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज हॉट एज अफ्रीका, अफ्रीका इज हॉटर देन एनी अदर कंट्रीज। यह आपका जो है कंपैरेटिव में बदल गया, कंपैरेटिव मान लीजिए का बदलने के लिए दिया गया या सुपरलेटिव दे दिया गया। यह जब कंपैरेटिव हो गया, मान लीजिए दिया किसे सुपरलेटिव करेंगे, तो सुपरलेटिव करेंगे तो हमें क्या करना है, तीसरे रूल को हम क्या करेंगे, तीसरे सेंटेंस को देखेंगे उसमें हमने कैसे बनाया हुआ था, उसी पैटर्न में बदल देना, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए सुपरलेटिव अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज,
अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, यह आपका सुपरलेटिव में बदल गया। क्लियर? कभी कभी बच्चे कहते हैं कि अफ्रीका तो एक ही है, यहां कंट्रीज क्यों लगाया आपने? तो इस बात को भी आप समझेंगे, अफ्रीका इज बेटर देन एनी अदर कंट्रीज, मतलब जो अफ्रीका है वह अन्य कई देशों से बहुत गर्व है। क्लियर? अफ्रीका अन्य बहुत से देशों से ज्यादा गर्व है, बहुत से देशों से, इसलिए यहां पर यह कंट्रीज लग गया। ऐसे भी समझ सकते हैं, अफ्रीका इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज या अफ्रीका इज वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज, यानी अफ्रीका सबसे गर्म देशों में से एक है, सबसे गर्म देशों में से एक है, इसलिए यहां पर कंट्रीज लग जाए। क्लियर? तो इसमें कहीं किसी तरह का कोई डाउट, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसके बाद जो डिग्रीज के रूल्स हैं ये समाप्त हो गए। क्लियर? अब आप जो है इन रूल्स के आधार पर प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो अवश्य पूछेंगे। यह बात कुछ है कि डिग्रीज को बदलना थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है, लेकिन यदि आप इन तीनों रूल्स के एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा भी डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा भी कठिन नहीं है। क्लियर? ओके, थैंक्स।